guys, and welcome to the Veena Decodes. वैसे there are low days and high days. The days जब आप सब कुछ ठीक जा रहा है, आप बहुत खुश हो, आप बहुत 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 हर काम में बिजी हो, तो those are the high days. जब आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, you know, something, anything that is bothering you. Then there are low days, like today is one of them. एक जो मेन चीज जो मुझे बॉदर कर रहा है वो है आप लोग के कमेंट्स. यू नो ऑल द नेगेटिव कमेंट्स समटाइम्स यस दे डू बॉदर मी. तो एक मेजर कंप्लेंट मैं सुनती हूँ, यू नो आई हैव अ कुक, आई हैव नैनी, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही क्या है, सास ससुर भी है, उन लोगों को लेके भी आप लोगों को कॉम्प्लेन है कि मतलब मैं कभी किसी को क्यों नहीं बुलाती हूँ एंड क्यों नहीं बात करती हूँ. मुझे ये समझ में नहीं आता है लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर मेरे बर्थडे पार्टी में कोई नहीं आया, वो एक्स वाई जेड हो, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने बुलाया नहीं. ये भी तो हो सकता है मैंने बुलाया वो आए नहीं, हो सकता है ना. और उसमें मुझे मतलब बुरा नहीं लगा, बिकॉज आई नो एवरीबडी हैज रीजंस. दिविशा की तबीयत कितनी खराब थी जस्ट बिफोर हर बर्थडे, दो तीन दिन पहले जस्ट वो थोड़ी रिकवर करी थी. तो अगर कोई मुझे बोल रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. देन दोज कम्प्लेन्स, यू नो कि मेरे पास इतने सारे स्टाफ है, लेकिन जब कोई नहीं होता है उसकी भरपाई माँ करती है. अभी पिछले एक डेढ़ महीने से मेरे घर में कोई कुक नहीं है, क्योंकि वो गए हैं गाँव, उसका फिल इन द ब्लैंक्स कौन करता है, माँ करती है. इस बात से मैंने ये आविष्कार किया कि कुकिंग इज वेरी थेरेप्यूटिक. मैं कुकिंग करती हूँ और पिछले 3-4 दिनों से मैंने जो अमेजिंग कुकिंग की है मैं क्या बताऊँ. और उसी के दौरान मैंने कमेंट्स पढ़ा कि बहुत दिन हो गया मैंने कोई खाने का वीडियो नहीं बनाया, एंड जो मेरे बेबीज है दे हैव कम इन टू अ नेक्स्ट स्टेज विच इज लाइक यू नो 1 year+ बोथ ऑफ देम. तो जाहिर सी बात है अभी मैं दोनों के लिए बहुत अलग अलग खाना नहीं बनाती हूँ, वो घुला हुआ खाना नहीं बनाती हूँ. मैं ऐसे खाना बनाती हूँ जो मुझे अलग से पेस्ट नहीं करना पड़े. और टच वुड, ऑब्वियसली इनमें से भी कमेंट्स बहुत लोग लिखते हैं कि लियाना कितने अच्छे से खाना खाती है. आई बिलीव दैट ऑल द मदर्स आउट देयर दे विल से दैट इट्स अ ब्लेसिंग जब आपके बच्चे खाना खाते हैं, क्योंकि जब बच्चे खाना नहीं खाते ऑल द मॉम्स आर मैक्सिमम बॉदर्ड. तो आज मैं कुछ ऐसे रेसिपीज बताऊंगी जो लियाना और दिविशा के बहुत फेवरेट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेरा जो पहला रेसिपी है उसका नाम है चिकन कॉन्जी, और इसका श्रेय मैं दूंगी डिम्पी को. हम लोग जब दुबई गए थे तो हम लोग डिम्पी के घर गए थे, वहां पे उसने बस पूछा कि बच्चे भी खाना खाएंगे ना घर पे, तो मैंने बोला हाँ खाएंगे, और मुझे नहीं पता था कि वो क्या बनाएगी जो मेरे बच्चे खा पाएंगे, बट बोथ माई बेबीज जस्ट एट इट and they enjoyed it. उसके बाद मैंने उसकी रेसिपी लेके मैंने घर पे भी बहुत बार बनाया and my babies absolutely loved it. So chicken congee मेरा पहला रेसिपी है. So if you are a vegetarian, you can just not use the chicken and make the congee. This is absolutely very, you know, gut soothing. मतलब पेट में बहुत हल्का भी है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है. और अभी actually दिविशा का lunch time है, जस्ट इन अनादर हाफ एन आवर, सो मेरे पास उतना ही टाइम है. सो मैं क्विकली वो बना लेती हूँ, उसके बाद आगे बात करती हूँ. चिकन कॉन्जी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन, राइस, प्याज, फ्यू क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड जिंजर. तो ये जो चिकन है, क्योंकि एकदम बेबी के लिए है, इसको मैंने एकदम मिक्सी में डाल के इसको पेस्ट कर लिया है. इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची, और इस पर मैं मिलाऊंगी बारीक कटी हुई ऑनियन. इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसका बनाऊंगी छोटे 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 मिनी बॉल्स. जो मेरी दूसरी मम्मी या फ्रेंड्स है वो अपने बच्चों को ये खिलाते हैं और उनके बच्चे खाते हैं, तब मुझसे ऐसे रेसिपी मांगते हैं. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर दिस विथ यू. चीकी का खाना भी बन रहा है. मैं चीकी का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लियाना इस वक्त स्कूल गई है, उसका प्ले स्कूल, वहाँ से वो खाना खा के आती है. जितना मैंने सिखाया था उससे 10 गुना अच्छा और खाना सीख गई है, और आजकल तो वो रोटी खाती है. तो जब ये छोटे छोटे चिकन बॉल्स बन जाएंगे, आप इसको इमीडिएटली एकदम बर्फीले ठंडे पानी में डाल दीजिए, छूटेगा नहीं बाद में. तो जब तक ये चिकन फ्रीज हो रहा है तब तक मैं दूसरा प्रिपरेशन कर लेती हूँ. थोड़ा सा पानी लूँगी, उसमें मैं डालूंगी बच्चों का फेवरेट एंड इजी टू कुक गोविंद भोग चावल. इसी में मैं होल जिंजर डालूंगी,
बच्चे खाएंगे, मैं नहीं चाहूंगी कि इतना ज्यादा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाए कि उसके मुंह में आए और तीखा लगे और बच्चे खाना छोड़ दे. तो लाइक दिस गार्लिक स्प्लिट इनटू टू ताकि मुझे ये भी दिखे. एक्चुअली आई एम वर्किंग मोर ऑन द फ्लेवर. और मैं डालूंगी होल काली मिर्च. राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट कुक होने लग गया है. इसमें मैं डालूंगी थोड़ी बारीक कटी हुई प्याज भी, बिकॉज कॉन्जी थोड़ा सा यू नो स्लाइटली स्वीटिश हो जाएगा. अभी मैं इस पे डाल दूंगी चिकन मिंस बॉल्स. इसका ऑलरेडी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है. एनीबडी इन द रूम कैन ऑलरेडी स्मेल इट. यम यम यम. तो अप टिल नाउ आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई भी तेल घी बटर कुछ भी यूज नहीं किया. तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुक होने दूंगी. जैसे ही कुक हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ. पक पक के मेरा कॉन्जी का कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसे मैं चाहती हूँ. एकदम यू नो इट्स वेरी सॉफ्ट. इसमें बस मैं गोल्डन फ्राइड ऑनियन डालूंगी और उसको अच्छे से दूंगी एक मिक्स. लास्ट 1 स्पून ऑफ बटर, इसको मैं अच्छे से दूंगी मिक्स. लेट मी टेल यू दिस इज एब्सोल्युटली फेवरेट ऑफ लियाना एंड दिविशा. दिविशा का प्लेट आ गया है और मैं स्ट्रेट अवे उसी पे परोस दूंगी. देते टाइम आप केयरफुल रहें कि उसमें वो जो अदरक का जो बड़ा पीस मैंने डाला था वो ना जाए. दैट्स इट, सॉर्टेड. बाकी सब कुछ तो एकदम गल मिल गया है. यम यम यम. सो फूड इज नॉट ओनली हाउ इट टेस्ट, इट ऑल्सो इज हाउ इट स्मेल्स. आई गिव इट 10 थम्स अप. सो माई दिविशा क्वीनी हैज कम एंड झोटी बांध के कह दो खाना दे दो. दे दो खाना. आर यू रेडी टू ईट? इसकी चोटी देखा आप लोगों ने, विशाल विशाल से दो चोटी. दिविशु चल. तुम्हारे खाने के लिए है चिक्की, धीरे धीरे खाओ. मुझे यूं यूं मत करो, धीरे धीरे चबा चबा के खाओ. हेलो खाओ खाओ. तो डेज जब डल होता है तो जाहिर सी बात है स्किन भी थोड़ा डल लगता है. तो तब थोड़ा सा यू नो हल्का सा मेकअप की जरूरत पड़ती है फेस में वो ग्लो लाने के लिए, वो फ्रेशनेस लाने के लिए. तो आज मैंने सोचा कि मैं एक नया चीज जो मार्केट में लॉन्च हुआ है बाई मामा अर्थ अगेन, उसका मैं एक ट्रायल भी करूंगी आप लोगों के सामने. एंड आई एम श्योर दिस इज वेरी नाइस एंड इनोवेटिव. एब्सोल्युटली दिस इज द विटामिन सी एंड एच ए, मतलब हाइलुरोनिक एसिड सीसी सीरम. तो देखा जाए तो सीसी क्रीम हम सब ने देखा है, सीसी मॉइस्चराइजर्स भी देखे हैं, लेकिन सीसी सीरम फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है. सीरम के बारे में सोचते ही हमें लगता है कि इट्स वेरी लाइट वेट, फास्ट अब्सॉर्बिंग, और उसमें अगर सीसी हो यानी कि कलर करेक्टर, तो सोने पे सुहागा. सो यू नो जब ऐसे ऐसे दिन होते हैं व्हेन आई डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ मेकअप, व्हेन आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ यू नो पेपिंग अप मूड काइंड ऑफ मेकअप, घर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ या यू नो लियाना को अभी थोड़ी देर में स्कूल से लेने भी जाऊँगी मैं, तो उसके दौरान दिस इज समथिंग दैट आई वुड रियली रियली लव टू इनकॉर्पोरेट इन माई डेली रूटीन, इन माई डेली रेजीम. तो आप लोग के सामने ही ट्राई करके देखती हूँ. तो यहाँ पे एक्चुअली आई सी दैट देर आर 3 shades, 1, 2, and 3. सो 1 इज वनीला, 2 इज पीच, एंड 3 इज हनी. आई थिंक आई यूज द नंबर 3 हनी. सीसी कवरेज भी देता है और इसमें क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड है तो हाइड्रेशन भी देता है एंड विटामिन सी गिव्स दैट इंस्टेंट ग्लो. तो लगाते हुए मैं ये महसूस कर रही हूँ दैट इट्स एब्सोल्युटली एक्चुअली वेरी लाइट वेट इन टेक्सचर, बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब हो गया है. माई जस्ट स्किन इज नॉट फीलिंग हैवी एट ऑल, इट्स एब्सोल्युटली फीलिंग नाइस एंड गॉर्जियस. मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स मुझे पता है अब आंखें बंद करके दैट दे आर पीटर सर्टिफाइड, दे आर फ्री फ्रॉम ऑल हैवी केमिकल्स एंड एनीथिंग दैट इज हार्मफुल टू द स्किन. आई विल डेफिनेटली पुट इट इन माई रेगुलर गो टू मेकअप. स्किन अच्छा हो और फिर यू नो थोड़ा सा चीज़ें हाईलाइटेड ना हो तो अच्छा नहीं लगता है.
और यू नो अगर लिप्स पिंक ना लगे, चीक थोड़ा सा पिंकी पिंकी ना लगे, तो यू नो एकदम फीका फीका सा लगता है. तो मामा ने शायद इस बात को सुन लिया था एंड दे हैव लॉन्च्ड समथिंग विच इज एक्सट्रीमली फेवरेट, जो मैं आई कैन नॉट डू विदाउट. एक नहीं, दो नहीं, तीन कलर्स. नंबर वन इज बीट रेड, नंबर टू इज कोको नूड, एंड नंबर थ्री इज रोजे पिंक. क्योंकि आई हैव ऑल द थ्री विथ मी, तो मैं तीनों को ही यूज करूंगी. वन एज एन आई शेडो टू गिव यू आइडियाज कि आप इसको आई शेडो, चीक टिंट, लिप टिंट, हर एक काम पे यूज करा सकते हैं. और एक भी आप अपने पर्स में लेके घूमे, बाहर निकले, यू विल ऑलवेज फील ब्लश्ड अप एंड फ्लश्ड अप, सो टायर्ड कभी नहीं लगेंगे. वाओ, द कलर इज जस्ट अबाउट एप्टली नेचुरल एंड उतना कलर है. अभी बीट रेड को थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ. आई वुड यूज दिस फॉर माई लिप्स. आई लव इट. Just looking so natural. Wow, I have the rose pink also. So let me use this on my cheek. I really love all of them. बहुत ही अच्छे से blend हो गया, बहुत subtle है. और you know, हाथ में कितना भी मैं ले रही हूँ, वो color over, you know, बहुत ज़्यादा thick, अजीब सा नहीं है. It's not giving that lipstick वाला feel. It's so, so natural. It's just blending so well. It's just giving a very glown and like you know, flushed up look. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. As the name suggests, Coco Nude is derived of cocoa, beet red is derived of you know beetroot, and rose pink is from rose petals. So all again natural ingredients. और ये भी मुझे काफी अच्छा लगा. All products of Mama Earth, if you buy with my code Divina2023, you will get an extra 20% off, and the products are available here. आजकल Mama Earth के physical stores भी है, तो आप अगर घूमते फिरते भी Mama Earth के store spot करें, वहाँ से भी आप shop कर सकते हैं. Plus they have this amazing initiative that every time you buy from their website, they will link your order to a tree that they plant. And by 2025, they plan to plant 1 million trees, which is amazing. So, dekhiye, matlab makeup se, cooking se, har tarike se, I'm like showing you how you can pep up your mood. And my mood is already bahut hi pep. हो गया है. अभी मैं नेक्स्ट खाना आप लोगों के लिए बनाऊंगी जो कि लियाना का सुपर फेवरेट है. मैं बोलती हूँ कि लियाना दिन में चार के बदले में अगर पांच भी खा ले, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बिकॉज आई नो व्हाट शी इज ईटिंग इज कम्प्लीटली हेल्थी फॉर. तो कुकीज के लिए हमें चाहिए आमंड फ्लावर और बटर और लिटिल बिट ऑफ मेपल सिरप. दिस इज अनसॉल्टेड बटर, उसको मुझे पहले मेल्ट करा लेना है. ये मेरे पास है आलमंड फ्लावर, उसमें मैं ये मेल्टेड बटर डाल दूंगी. कोई ये बिस्किट खाए वो चबा चबा के बादाम खा रहा होगा. लियाना कुछ बादाम खा ले इन द होल डे, आई वुड नॉट फील बैड. बट ये भी नहीं है कि इसका मतलब मैं उसको दिन भर ये खाने देती हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं बच्चे, तो वो खाना मिस कर देते हैं. सो आई डू नॉट अप्रूव ऑफ अ लॉट ऑफ स्नैकिंग, लेकिन स्नैकिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए थोड़ा कुछ रेडी रखना भी बहुत ज़रूरी है. इस पे मैं अभी डालूंगी मेरा मेपल सिरप और इसको भी मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स. नाउ एक बेकिंग ट्रे लीजिए, उस पे आप इस कुकीज़ के छोटे छोटे बॉल बना के डाल दीजिए. अभी मैं बनाने जा रही हूँ लियाना दिविशाज एब्सोल्युटली फेवरेट नहीं, मैं स्टेपल बोलूंगी, जो वो रोज सुबह खाते हैं, विच इज लाइक अ थ्री इंग्रेडिएंट पैनकेक.
जो बहुत ही इजीली बन जाता है, उसके लिए जो 3 इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ओट्स, बनाना एंड एग्स। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ओट्स को हल्का सा भून लेंगे, बहुत ही लाइटली। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, पीस के पाउडर बना लेंगे। आप इस कंसिस्टेंसी में भी यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ एकदम पाउडर्ड फॉर्म में। अब चाहिए होगा आपको एक एग, 1 बनाना, मैंने बहुत ही छोटा बनाना यूज किया है। इसमें मैं डालूंगी पाउडर्ड ओट्स। तीनों को अभी मैं अच्छे से मिला के एक पेस्ट बना लूंगी। अभी मैं इसमें बनाऊंगी मेरा पैनकेक्स। इसमें आप बनाना के साथ साथ दूसरे फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, एंड ट्रस्ट मी सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। इसमें अगर एक आधी बनाना का पीसेस रह भी गया तो भी वो अच्छा टेस्ट करता है। ड्रिजल विथ सम मेपल सिरप एंड योर पैनकेक्स आर रेडी। बच्चे बड़े सबको उतने ही अच्छे लगेंगे। ये तो था 3 रेसिपी जो मैंने आज मेरे चैनल में बताया, और होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड यू मस्ट ट्राई इट इन योर हाउस एंड सी, बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेकअप करके खाना बना के आई जस्ट फेल्ट माई हैप्पीएस्ट, आई एम फीलिंग सो गुड, ट्रस्ट मी। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आजकल आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और अपने दोस्तों को रेकमेंड करना भी भूल जाते हैं। वट एवर इट इज, इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।